हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, तो आज बीआर अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता रखे उनको याद किया जाएगा। संविधान को लेकर तमाम बातें की जाएंगी, तो सवाल नहीं पूछे जाने हैं स्वाभाविक तौर पर, बाकी भी कुछ खास नहीं होना है। लेकिन जो बड़ी बात है जो कि खास है वो ये है कि हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर का आज चुनाव किया जाएगा, तो विशेष सत्र बुलाया गया है हरियाणा विधानसभा का और कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल जो है शोक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं, फिलहाल की खबर ये। और देखिए डिप्टी स्पीकर को लेकर हम आपको बार बार बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है अपने आप में कि रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। उनके नाम का जो है लगभग उनके नाम को तय माना जा रहा है, उनका चुनाव आज हो सकता है। तो हरियाणा विधानसभा के लिहाज से आज का दिन खास है। संविधान दिवस के मौके पर आज हरियाणा विधानसभा को डिप्टी स्पीकर मिल सकते हैं रणबीर गंगवा के रूप में। तो कार्यवाही शुरू हो चुकी है हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र की। ये तस्वीरें उस वक्त की जबकि बीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पहुंचे थे, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर पहुंचे थे, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे थे। तमाम लोग जो है पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। हालांकि फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तो संविधान दिवस के मौके पर आज संविधान दिवस होने के नाते ही चूंकि ये सत्र बुलाया गया है, तो संविधान को लेकर अधिकारों को लेकर बातें की जाएंगी और बीआर अंबेडकर को भी आज याद किया जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र ये बुलाया गया है और कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें उस वक्त की जबकि बीएसई कमेटी की मीटिंग के लिए तमाम लोग पहुंचे थे और आज का ये सत्र है, एक दिवसीय विशेष सत्र जो है संविधान दिवस के नाते बुलाया गया है और संविधान को लेकर बातें की जानी है। इसके अलावा बीआर अंबेडकर को याद किया जाएगा, अधिकारों पर बातें की जाएंगी। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा और सीमा त्रिखा का नाम हालांकि चर्चाओं में था, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि रणबीर गंगवा हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने विचार रखेंगे, चूंकि 17वीं वर्षगांठ है आज संविधान की। सुबह 11 बजे जो कि यानी कि कुछ ही देर पहले विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है जानेंगे, सीधे आपको लिए चलते हैं विधानसभा। हमारे संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ सीधे विधानसभा से जुड़ गए हैं। अनिल, फिलहाल क्या हलचल है विधानसभा सत्र को लेकर? देखिए ज्योति सांगवान, विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो सबसे पहले शुरू हुई, सबसे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जो शोक प्रस्ताव के तहत जितनी भी दिवंगत आत्माएं हुई थी, जो पिछला सदन था और ये सदन, इन दोनों सत्रों के बीच वो जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको लेकर, दिवंगतों को लेकर यहाँ पर शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से पढ़े गए हैं। फिलहाल जो विधानसभा की कार्यवाही है वो चल रही है। फिलहाल शोक प्रस्तावों के बाद जो कुछ विधायी काम है, जो कुछ टेबल वर्क है, वो टेबल वर्क होने हैं। उम्मीद की जा रही है टेबल वर्क के बाद जो संविधान है, संविधान की जो 17वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जो संविधान को लेकर फिर जो सब 17वीं वर्षगांठ को लेकर जो बड़े नेता, सदन के नेता है मनोहर लाल है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कई बड़े नेता, कई बड़े विधायक अपनी अपनी बातें संविधान को लेकर यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि जो संविधान की जो 17वीं वर्षगांठ है, जब संविधान अलंकृत किया गया था, उसको लेकर अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जाएगी। फिर जो डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना ये बिल्कुल तय हो चुका है। जो हमारे पुख्ता सूत्र थे उनकी तरफ से बताया गया था कि रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर होंगे, फिर डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर का चुनाव बिल्कुल तय हो चुका है, रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं। हालांकि सीमा त्रिखा का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन अगर बात करें रणबीर गंगवा की, रणबीर गंगवा को डिप्टी स्पीकर बनाने में कुछ समीकरणों में काम किया। सबसे पहले वो हिसार लोकसभा से आते हैं, हिसार लोकसभा की बात करें, सरकार में हिसार लोकसभा का मंत्रिमंडल में किसी तरह का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उस नाते रणबीर गंगवा ऊपर है। दूसरा जो पिछड़ी जातियां, पिछड़ी जातियों को बीजेपी से जोड़े रखने के लिए भविष्य में किस तरह के जो पिछड़ी जातियां जुड़ी रहे वो रणबीर गंगवा के काम आए। रणबीर गंगवा एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, सीनियरिटी उनकी है, तो उस नाते डिप्टी स्पीकर उनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो विधायी काम होने हैं उन विधायी कामों में जो एक कैक की रिपोर्ट है, कैक की रिपोर्ट भी यहाँ पर टेबल की जा सकती है, कैक की रिपोर्ट भी यहाँ पर रखी जा सकती है। और विधेयक की अगर बात करें, एक विधेयक यहाँ पर पारित किया जाना है, वो संशोधित विधेयक रहेगा। पिछले दिनों जो कैबिनेट का फैसला था जिसके तहत ही तय किया गया था कि
गांव में अगर जो 10% आबादी है गांव की, अगर 10% आबादी गांव के लिख कर दे देती है कि गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, तो उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, उससे संबंधित ये संशोधित विधेयक है वो विधानसभा में आज रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज संविधान को लेकर संकल्प पत्र रखा जाएगा, और विधेयक की अगर बात की जाए तो शराब के ठेके बंद किए जाने को लेकर ही संशोधित जो विधेयक है वो रखा जाएगा। अनिल मोर, इसके अलावा क्या कुछ होगा? बिल्कुल, देखिए जो आज संविधान का विशेष सत्र बुलाया गया है, संविधान की जो 70वीं वर्षगांठ है, जो 70वीं सालगिरह, उसके उपलक्ष में ये विशेष सत्र बुलाया गया, देश की संसद में संयुक्त बैठक बुलाई गई, देश के तमाम राज्यों में जो अधिवेशन है, जो खासतौर पर विशेष सत्र है वो बुलाए जा रहे हैं, हरियाणा विधानसभा में विशेष सत्र हो रहा है, जो हमारे साथ लगती पंजाब की विधानसभा वहाँ पर भी विशेष सत्र हो रहा है। हालांकि संसद की बात करें, जो विपक्षी दल है, कांग्रेस की बात करें, वाम दलों की बात करें, शिवसेना, NCP, RJD, ये तमाम विपक्षी दल जो संसद की संयुक्त बैठक का उसका विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी उसका विरोध किया है। विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जब BJP संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, खासतौर पे जो महाराष्ट्र का जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है, जो BJP संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसके चलते विपक्षी दलों की तरफ से संसद में संयुक्त बैठक का बहिष्कार किया गया है। वहीं फिलहाल हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा विधानसभा में जो विपक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, फिलहाल यहाँ पर विधानसभा में पहुंच चुके हैं, और जो 70वीं सालगिरह जो संविधान बनाया गया था, संविधान को जो अंगीकृत क्या गया ना, 70 साल हो गई है, तो उसको लेकर अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी जाएगी। कैग की जो रिपोर्ट है वो भी टेबल की जानी है, जो विधेयक रखा जाना है, जो एक विधेयक रहेगा, उस विधेयक में यही है कि जो पिछले दिनों कैबिनेट ने फैसला लिया था, ज्योति सांगवान, जिसमें कि गांव की 10% आबादी अगर लिख कर दे दे कि गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, तो उस गांव में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, उससे संबंधित विधेयक है जो पटल पर रखा जाएगा। और आज हरियाणा विधानसभा को नया डिप्टी स्पीकर मिल जाएगा। पिछली बार की अगर बात करें, संतोष यादव डिप्टी स्पीकर बनी थी, अगर उससे पहले के इतिहास की बात करें, निर्दलीय भी डिप्टी स्पीकर बनते रहे हैं, लेकिन पिछली बार इस परंपरा को BJP ने बदल दिया था। पिछली बार BJP ने अपनी ही पार्टी की विधायक को डिप्टी स्पीकर बनाया था, और इस बार भी BJP अपनी ही पार्टी की विधायक को डिप्टी स्पीकर बनाने जा रही है। जी चले, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बड़ी खबर भी बताई, विस्तार से आपको जानकारी भी दी। तो ना कि आज प्रश्नकाल होगा, ना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा, ना किसी तरह का स्थगन प्रस्ताव होगा। कुल मिलाकर संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर यह विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संविधान को लेकर बातें की जाएंगी, संकल्प पत्र रखा जाएगा। हालांकि शराब के ठेके बंद किए जाने को लेकर जो कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था, उसको लेकर संशोधित विधेयक आज जरूर रखा जा सकता है विधानसभा के पटल पर।